Yo guys, I'm Link and you are watching HeroLink the Gamer. आज हम लोग खेलने वाले हैं मिटेल द हॉरर स्केप। ये एक हॉरर गेम है, पजल हॉरर। तो इस गेम की स्टोरी है कि एक बंदा इस जगह में एक साइकोपैथ के घर में फंस जाता है और उसको स्केप करना है वहाँ से। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहली बारी एलन बन के खेलने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कमिंग सून, यानी कि ये गेम अभी अंडर डेवलपमेंट। अवेकनिंग। माय वर्क टुक अ लिटिल बिट मोर टाइम टुडे। आज मेरा काम रोज के दिनों से कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया है। एंड आई हैड टू गो होम एट नाइट। और मुझे रात के समय घर जाना पड़ेगा। देयर वॉज अ स्नो स्टॉर्म, वहाँ पे बर्फ का तूफान आ गया है। That's why I wanted to come home as soon as possible. इसलिए मैं चाहता हूँ ताकि मैं घर जल्दी पहुँच सकूँ, जितनी जल्दी हो सके। My road went through a small forest. मेरे रास्ते की तरफ एक छोटा सा जंगल पड़ता है। I was watching dim house light really nice. और मैंने देखा एक धीमी सी घर की रोशनी जो बहुत ही सुंदर थी। Suddenly it felt like someone was staring at me. और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। I thought maybe it's just it my mind. और मैंने सोचा कि ये मेरी सोच हो सकती, ये क्या मेरी सोच ही होगी और कुछ नहीं। But the shadow moved and I saw that someone is going through the forest and watching me. और तभी वो shadow यानी कि वो परछाई मूव करी, मतलब हिली, और मैंने देखा कि जंगल में कोई तो है जो मुझे देख रहा है। आई फेल्ट क्रीपी, मुझे डर लगा। अ नॉर्मल पर्सन वुड नॉट वॉक इन अ सच बैड वेदर। एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे बुरे वेदर में तो कहीं घूमने जाएगा नहीं। आई वॉज पैरालाइज्ड विद फियर एंड स्पैड अप। मेरे पैर कांपने लगे और मैं एक जगह स्तब्ध हो गया डर के मारे। I looked back and saw that someone was chasing me. और मैंने पीछे देखा और मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। I ran as fast as I could. और मैंने दौड़ने की बहुत तेज कोशिश की जितना मैं कर सकता था। He was also running, trying his best to catch me. और वो भी बहुत तेज दौड़ रहा था ताकि वो अपना बेस्ट दे रहा था ताकि वो मुझे पकड़ सके। At some moment I fell into the snow. और कुछ ही देर बाद मैं गिर पड़ा स्नो के ऊपर। आई स्टूड अप वेरी क्विकली, मैं जितनी जल्दी हो सके उठने की कोशिश किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समवन रैपिडली पुल्ड माई शोल्डर, और किसी ने मेरे कंधे को अपनी तरफ खींचा। आई सीन ओनली अ शैडो बिफोर आई वॉज नॉक्ड आउट विथ अ स्ट्रॉन्ग पंच। और मैं केवल उसकी परछाई देख पाया था, लेकिन तभी मैं बेहोश हो गया एक बहुत ही भयानक घूसा खाने के बाद। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। हाउ मच टाइम आई स्पेंट अनकॉन्शियसनेस, यानी कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया बेहोशी में। बट आई वोक अप इन अ कोल्ड ओल्ड बिल्डिंग, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने एक बहुत ही ठंड और एक पुरानी बिल्डिंग में था। शिट, आई वॉज लॉक्ड इन अ मेटल केज। बहुत बुरा हुआ कि मैं एक मेटल केज में बंद हूँ। आफ्टर अ मिनट द डोर ओपन एंड ही केम इन। और कुछ ही देरों बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। तो चलिए गाइस गेम को शुरू करते हैं। तो हम लोग एक जैसे कि बताया था स्टोरी में, हम लोग एक मेटल केज में बंद है। हम लोग को पहले इस मेटल केज से निकलना होगा। बंद है ये रहा लॉजिक। गाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ये पहले भी गेम खेल चुका हूं, ताकि मैं अच्छे से गेम को खेल सकूं, ज़्यादा समय ना लगा सकूं। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता है, हाँ थोड़ा ढूंढना होगा सामान, क्योंकि गाइज अगर हम लोग को यहाँ पे एक बार भी मरे हुए ना उसके हाथ में पकड़ाए निकलना है, ताकि तभी हम लोग अपने एक और जिसने एक आदमी को नहीं, केवल हम ही लोग को नहीं, काफ़ी लोगों को पकड़ा है, तो हमें सबको बचाना है। तो इसीलिए मैं एक बार भी नहीं मरना चाहता। और इसके लिए हम लोग को सबसे पहले हथौड़ा चाहिए होगा, ये रहा हथौड़ा। और हम लोग को इस चीज़ को तोड़ना होगा।
जिसमें ये चाबी रखी हुई है। What's that noise? और हम लोग को एकदम सावधानी से खेलना है, एक भी कोई गलती सामान में उसमें देख लिया। यही देखिए, इसने खुद बोला नोटिस इसको नहीं करने देना है। कोई भी सामान उसने अनबन तरीके से देखी तो समझ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। Something's wrong here. Goddamn imagination. देखिए, जैसे कि मैंने कोई सामान गिराया या फिर उल्टा पुल्टा नहीं रखा था तो ये नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। तो मुझे चाबी मिली है और ये लॉक जगह ये है और ये मुझे मेटल सॉ और टेप मिली है। एक भी गलती नहीं करनी हम लोगों दोस्तों। तो यहाँ पे आपको तसल्ली के लिए दिखा दूँ कि जब आप यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पे इसका नाम, हम लोग का नाम मैक्स है और ये पूरा बता रहा है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। और मैंने पासवर्ड ढूंढा है ताकि हम लोग उस जगह को, इस दरवाजे को खोल सके जो सामने ही में आपके हैं। और पासवर्ड नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में है। हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज से नंबर रखने होंगे ये दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहाँ देखिए नंबर आपको दिखी जाएंगे 2, 5, 6 ऐसे करके और यहाँ 8। तो नॉर्थ गेम के हिसाब से नॉर्थ 6 है और ये जो है 5 और यहाँ पे 8 और यहाँ 2। तो हम लोग बस अब पासवर्ड खोलना है। नो इलेक्ट्रिसिटी। ओह हाँ, हम लोग को इस स्टेप से इसको बंद करना होगा ताकि बिजली यहाँ पहुँच सके। और ये कंट्रोल पैनल ऑल ऑन हो गया है। अब हम लोग को पासवर्ड देना होगा 6852। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। नहीं शायद 6582। पासवर्ड सही निकला गाइस। तो अब हम लोग को डोर खोलना है और डोर खुल गई। अब हम लोग को सामान जुटाने होंगे ताकि हम लोग इस जगह से निकल सकें। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ है, लीवर और कुछ सामान नहीं, खाली और कुछ नहीं और बिल्कुल नहीं, बस खाली है। एक मिनट मुझे यहाँ देखना है। जी हाँ गाइस, यहाँ सामान मिल गया, नेल पुलर। और हम लोग को एक पिकैक्स बनानी होगी यहाँ, जैसे यह दिख रहा है यहाँ पिकैक्स, हम लोग को एक पिकैक्स बनानी होगी। तो जितनी जल्दी हो सके मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। और ये पिकैक्स का पहला पार्ट मिल गया हम लोग को, यानी कि पार्ट बी। और हाँ, हम लोग को इसको वापस रखना होगा ताकि उसे लगे ना कि कोई सामान हटा पड़ा है, क्योंकि हम लोग को एकदम बिना गड़बड़ के यहाँ से निकलना है। और आखिरी में इसको पता भी चल जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तब तक हम लोग निकल चुके होंगे यहाँ से। और ये इससे यहाँ को खोलना है और इसको हटाना है। और ये तो खाली यहाँ इसी जगह से तोड़ के निकलना है हम लोग को। अब सवाल आता है इसका, अब यहाँ पे खोलेंगे तो ये सामान गिरेगा और ये आएगा। हम लोग को जल्दी से जल्दी इसको उठाना होगा और जितनी जल्दी हो सके हम लोग को यहाँ से भागना होगा। और सामान वामान सब कुछ अच्छे से रखना होगा, डोर को बंद करना होगा, स्विच ऑफ। ओ नहीं, देर हो रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़, बंद कर दिया। ओ बच गया, अब मेरे ख्याल से वो नहीं पकड़ पाऊंगा। Well, wait a second. हाँ बाजी गए। तो अब हम लोग को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेट टास्क यही है। और मुझे स्क्रू ड्राइवर मिला है तो हम लोग को जो ये हम लोग का टॉयलेट है इसके ऊपर का ये चीज़ खोलना होगा। और इसके अंदर से पिकैक्स का पार्ट दूसरा मिल जाए, एक और पार्ट। और एक और ज़रूरी चीज़ हम लोग को चाहिए होगी, और ही बहुत सारी,
एक तो चाहिए होगी हम लोग को लकड़ी, ताकि हम लोग इस दरवाजे पे अटका सके उस लकड़ी को। मिलना तो चाहिए। Who's making that noise? हमें नेल एक और लीवर आर्म मिल गया। हमें जल्दी से जाना होगा और वापस फिर से वही चीज़ करना होगा। सारे सामान, दरवाजे को बंद, कंट्रोल पैनल ऑफ, और वापस हम लोग अपने केज में जाके बंद होना है। लेकिन गाइस मुझे एक चीज़ सता रही बात कि हम लोग अभी तक से वुड प्लैंक नहीं मिला है, जो मेन चीज़ है, वरना ये दरवाज़ा खोल के जब हम लोग भागेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओह ठीक है, कोई सामान रखा इसने, कुछ डायमंड हो। Well, wait a second. इस पे ध्यान नहीं देते हुए हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पे कहीं है क्या लकड़ी। नहीं, लकड़ी कहीं नहीं दिख रही है। अगर लकड़ी नहीं दिखेगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हम लोग निकल नहीं पाएंगे गाइस। हम लोग को जितनी जल्दी हो सके करना हो सब कुछ। हाँ ये इसकी जरूरत है, निपर्स जो लिखा है। ओह इसे तो खोलना ही पड़ेगा, डोर को खोलना होगा। और हाँ एलिवेटर यही है, इस दरवाजे जिसको हम लोग जो पत्थर है इसको जो तोड़े हम लोग, इसी के इसी के अंदर है वो चीज़। ओह मिल गई, काम बन जाएगा। हम लोग अब बस यहाँ से निकलने को तैयार है, बस अब हम लोग को यहाँ से डोर बोल्ट यहाँ पे लगानी है इस जगह पे। जी हाँ अब हम लोग यहाँ से निकलने को बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ कुछ नहीं अब हम लोग के लिए बचता है, अब बस हम लोग को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। ओह सॉरी गाइस कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने तो ऑन ही नहीं किया वहाँ से, बिजली ऑन हो गई। अब इसको डबल पार मिल गई, एलिवेटर खुला, अब हम लोग को भागना है। हम मैंने डोर बोल्ट लगा दिया है तो अब वो आएगा नहीं, आ नहीं पाएगा नहीं जल्दी। हम लोग को एकदम सही समय पर लीवर आर्म को उस जगह पे लगाना है, और जितनी जल्दी हो सके जल्दी आओ। वाह ये तो मेरी बात समझ रहे पूरी, हम लोग को एकदम भी देरी नहीं करनी है। इसीलिए मैंने कहा था मुझे डोर बोल्ट की बहुत जरूरत है, अभी तक उसको समय लगेगा, हम लोग को बस जितनी जल्दी हो सके बस लगाना है। ये आर्म और बस हम लोग बच गए, अब वो अभी जब तक आएगा हम लोग तब तक नीचे आ चुके हैं। साइकोपैथ फिर कभी नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ पाएगा शायद, बस पकड़ ना ले गड़बड़ गया। हम लोग सीवरेज के रास्ते से निकल रहे हैं। God damn you! ओ शायद उसे पता चल गया हम लोग हम दिया। देखिएगा ये सीवरेज है, और मैंने बताया था आपको कि मैं अकेले यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ, हम लोग को एक और अपने साथ एक लोग को बचा के जाना है, और एक और जो है जो एक लड़की है वो यहाँ पर, हम लोग उसको यहाँ बचाएंगे। और यहाँ तो बंद है, लेकिन हम लोग यहाँ देख नहीं पाएंगे क्या होगा। इसके आगे का स्टोरी अभी बन रही है गाइस, जब इसकी आगे की स्टोरी बनेगी हम लोग उसको जरूर खेलेंगे। और ये हम लोग ने एक और विक्टिम को बचा लिया। यू फाउंड अ वे आउट एंड फाउंड अनदर विक्टिम, हेल्प हर टू गेट आउट। और बस कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और गाइस आज का हमारा इस ये गेम प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू गाइस लाइक इट। आई एम लिंक एंड यू आर वॉचिंग हीरो लिंक द गेमर। नाउ सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।